बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो कि मेरे कमेंट में यही पूछते हैं कि भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया है, मुझे 4 दिन हुए हैं, मुझे 10 दिन हुए हैं, मुझे 1 महीना हुआ है, तो क्या मैं जिम जा सकता हूँ, क्या मैं जिम कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन आज जो है मैं डॉक्टर के पास आया हुआ था, डॉक्टर संतपाल सांगवान के पास, जो कि हेयर फियर एंड हेयर ग्रोथ गुड़गांव ब्रांच के सीनियर मोस्ट डॉक्टर है। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है डॉक्टर संतपाल सांगवान सर से ही लेना चाहूंगा कि उनके क्या व्यूज है इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर एक डॉक्टर जो है क्या बोल सकते हैं, क्या उनके व्यूज रहते हैं बेसिकली, कि क्या वो सजेस्ट करते हैं कि कब करना चाहिए एंड क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जिमिंग या कुछ भी कर रहे हो तो। हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में वो पेशेंट जो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या वो पेशेंट जिनका हेयर लॉस हो रहा है, दोनों के लिए कॉमनली ये चीज बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज क्या है, कौन सी एक्सरसाइज उन्हें ज्यादा करनी चाहिए, कब से उन्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए और एक्सरसाइज करते हुए क्या क्या वो चीजें ले सकते हैं, इस पर भी हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे आज। देखिए एक्सरसाइज बेसिकली दो तरह की होती है, एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक एक्सरसाइज मींस कि जिसमें हमारी ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाते हैं, फिर वही बॉडी, जैसे कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया स्ट्रेस, कि जब भी बॉडी पे एनएरोबिक एक्सरसाइजेज हम करते हैं, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बेसिकली होती हैं, उनमें क्या होता है कि बॉडी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हाई एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए और सब चीजें न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा यूज करना होता है। तो अब सब पेशेंटों के लिए, अब हर कोई ये पूछता है कि भाई ऐसे तो एक्सरसाइज करने से कोई बाल्ड हो जाता है क्या, या आप बता रहे हैं कि किस एक्सरसाइज से फायदा होता है, तो इसका भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहली चीज कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हेयर लॉस जनरली एरोबिक एक्सरसाइज से कभी भी हेयर लॉस आपको नहीं बढ़ेगा या ऐसा नहीं होगा, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एरोबिक एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए, रनिंग, वॉकिंग, एक लेवल तक की जब बहुत ज्यादा आपको एनएरोबिक या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में ना जाना पड़े, तो वहाँ उस लेवल तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जहाँ वेट ट्रेनिंग वाली, हैवी वेट ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा फास्ट रनिंग, वो जनरली डेफिनेटली आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का स्ट्रेस या बॉडी के लिए सर्वाइवल मोड आ जाता है, फिर से वही न्यूट्रिएंट्स अपने हेयर के लेके और यूज़ करना और हेयर को ना मिल पाना, इवन हम कितने ही विटामिन खाते रहें वो सब जाएंगे मसल्स में या बॉडी में या हार्ट या लंग जो उस समय ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ से ही चले जाएंगे। तो हमें एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए जितना हो सके, एनएरोबिक को कम से कम करना चाहिए, तो इससे स्ट्रेस और ये सब नहीं बढ़ता और हेयर लॉस कम होता है। तो कोशिश करें कि 1 महीने बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें, लेकिन हैवी वेट ट्रेनिंग ये सब 3 से 6 महीने डिले कर दें, ठीक है। हर किसी में उतना इफेक्ट नहीं होता। अब दूसरी चीज़, हर कोई एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स आपने सुना ही होगा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वेट ट्रेनिंग गलत एक्सरसाइज है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ उनमें जिनमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के जीन्स हैं या रिसेप्टर हैं, उनमें क्या होता है कि एक्सरसाइज की वजह से भी कई बार ये जो अपना मेल पैटर्न बालनेस अनमास्क हो जाता है, वो छुपा हुआ होता है, अच्छे बाल होते हैं, उसकी वजह से हेयर लॉस स्टार्ट हुआ और टिपिकल पैटर्न हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो वो ज्यादातर उन एक्सरसाइज से जो जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग या इनमें जिसमें बहुत ज्यादा हमें एंड पे जाना पड़ता है, बहुत एनारोबिक एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ता है, वहीं ज्यादा होता है ये। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज से कोई बाल्ड हो जाएगा, लेकिन जिसमें हैं चीजें उसको कम से कम ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि वो ये ज़्यादा करेगा एनारोबिक एक्सरसाइज तो वो हो सकता है हेयर लॉस उसको हो सकता है। सेम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी मैं कहूँगा कि एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, प्रोटीन भी नेचुरल प्रोटीन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए आर्टिफिशियल के मुकाबले, और एनारोबिक कम से कम करो या मिनिमम करो, या फिर देखो अपना हेयर लॉस बढ़ रहा है तो एनारोबिक आपको रोकना ही पड़ेगा। तो अब प्रोटीन की बात आ गई है, तो जैसे मैं तो यही समझता था सर कि वे प्रोटीन वगैरह ये सब जो भी प्रोटीन जो मिलते हैं मार्केट में ये सारे बॉडी के लिए अच्छे ही होते हैं, बालों के लिए भी प्रोटीन जो है एक अच्छा ही है न्यूट्रिएंट जो है प्रोटीन, जो कि डॉक्टर भी बोलते हैं भाई प्रोटीन खाओगे तो बाल अच्छे रहेंगे, है ना, प्रोटीन इंटेक करो बाल अच्छे रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर एस्ट्रॉइड का तो चलो मानते हैं कि डॉक्टर मना करते हैं, तो प्रोटीन वे प्रोटीन जो अभी मिल रहा है मार्केट में क्या वो सही में मतलब बेनिफिट करता है अपने बॉडी को भी अपने हेयर को भी, कि उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है? वे प्रोटीन का मैं डेफिनेटली कहूंगा कि जो भी नेचुरल प्रोटीन है, देखो वे प्रोटीन की आप यदि एग की जो वैल्यू होती है ना प्रोटीन वैल्यू वो 100 होती है, एक जो हम इसकी वैल्यू देखते हैं वे प्रोटीन की 104 होती है, डेफिनेटली उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहूंगा कि हमें एग प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए, एग या जो नॉनवेज खाते हैं या जो वेजिटेरियन है तो बादाम या नेचुरल तरीके से जो प्रोटीन लेते हैं ना वो हमेशा बेनिफिशियल है। अभी बहुत सी स्टडीज हुई हैं अकेले इंडिया में नहीं बाहर भी जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि वे प्रोटीन लेने वालों में हेयर लॉस भी ज्यादा होता है, उनमें जो मेल पैटर्न बाल्डनेस भी जल्दी आता है, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वे प्रोटीन ज्यादा यूज करने से रिजल्ट्स पे भी फर्क पड़ते हैं। तो हमें डेफिनेटली नेचुरल उनकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए। वे प्रोटीन बहुत से रीजन है, एक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड होता है, वे प्रोटीन आपको मिल्क को बिल्कुल कंसंट्रेट करके उसके कुछ प्रोटीन को सेपरेट करके उससे बनाया जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि
जिससे भी वे प्रोटीन बनते हैं, एनिमल्स हैं जिनसे हम मिल्क लेते हैं, उनमें कुछ ऐसे हार्मोन दिए जाते हैं कि जिससे वो प्रोटीन के लेवल या अपने मिल्क के लेवल बढ़ जाएं। जैसे कोई जिस भी काउ से या बफेलो से हम मिल्क लेते हैं, वो 10 केजी जितना भी देती, 10 लीटर देती है, कुछ ऐसे हार्मोन लगाए जाएंगे कि वो 15 लीटर दे, 20 लीटर दे। ये प्रॉब्लम है कि अब वो ऑर्गेनिक वाली चीजें रहेगी ना, तो हाँ, तो कहीं ना कहीं वो हार्मोन भी उसके थ्रू, वे प्रोटीन के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं, वो कितना ही कंसंट्रेटेड हो, तो उनके नुकसान ज्यादा है। अब ये प्रूव करना कि कौन सा नेचुरल तरीके से है, ये बड़ा मुश्किल है। तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि इसलिए नेचुरल उनकी तरफ ज्यादा जाएं, वे प्रोटीन की तरफ कम जाएं। ये ऑलरेडी स्टडीज हैं, ये देखा गया है क्लियर कट कि 50-70% जो नॉर्मल प्रोटीन के मुकाबले वे प्रोटीन ले रहे थे, उनमें हेयर लॉस बढ़ा, मेल पैटर्न बाल्डनेस उनमें जल्दी आई, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी उनके रिजल्ट्स कुछ खराब हुए हैं जो ज्यादा ये ले रहे थे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इससे तो यही पता चला कि भाई जो मार्केट में मिल रही है आपको प्रोटीन्स वगैरह, उनका इंटेक कम करो, जो नेचुरली फूड से आप ले सकते हो इंटेक कर सकते हो, अपना एग हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, जो भी चीजें हैं चाहे वो वेजीज में हो गए, तो प्रोटीन वहां से ज्यादा इंटेक करो तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका लाइक प्रॉब्लम है, जेनेटिक है, तो मतलब हेयर फॉल, हेयर लॉस है, तो अदरवाइज नहीं है, आपके जेनेटिक में भी नहीं है, आपके पूर्वजों में भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि होगा ही नहीं, तब तो तुम कोई इशू नहीं है। फिर आपको ज्यादा बॉडी बनानी है, ज्यादा जल्दी जल्दी बनानी है, तो फिर आप कुछ भी स्टेरॉइड्स भी ले सकते हो, कोई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिनको प्रॉब्लम है बालों का, वो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखे, और खासकर ये वीडियोस उनके लिए ही है जिनको बालों की प्रॉब्लम है, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है या फिर नहीं भी करवाया, और वो जानना चाहते हैं क्या जिमिंग से, क्या प्रोटीन से हेयर फॉल हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं या फिर डॉक्टर जो है क्या, मतलब अगर मैं डॉक्टर के पास आया हूँ तो ऑब्वियसली साइंटिफिक रीजन से ही वो बताना चाहेंगे, और बता भी दिया है आप लोगों को। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो या नहीं करवाते हो और जिमिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीडियो को यही तक रखूंगा, एंड फिर से डॉक्टर संत पॉल सांगवान को थैंक यू बोलूंगा सर, आपने जो है अपने व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को इतना जो है अच्छे से समझाया। इस वीडियो को यही तक रखेंगे सर। तो गाइस, अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो सब्सक्राइब करके ही जाना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।